वेलकम टू टॉप गार्डनिंग। आज हम कैक्टस प्लांट के बारे में बात करेंगे कि कैक्टस प्लांट ये जो है हमारा काफ़ी खूबसूरत कैक्टस प्लांट है ये, और हम कैक्टस प्लांट को फुल सनलाइट में रखें। और आप देख रहे हैं हम कैक्टस प्लांट की अगर सोइल की बात करेंगे तो सोइल आप देख रहे हैं हमारी ये सोइल है, बारिश का मौसम है बट तब भी बारिश होने के बाद भी ये सोइल सिर्फ गीली है, इसमें पानी रुका नहीं है क्योंकि हमने इसमें रेत मिक्स करा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पत्थर है, थोड़ी बजरी टाइप के हैं, ये कलरफुल पत्थर पड़े थे तो हमने वो यूज़ करे हैं। इनकी वजह से पानी जितना भी अगर बारिश का पानी हो चाहे हम डालें पानी तो वो सारा का सारा वाटर ना नीचे की तरफ से निकल जाता है क्योंकि हर पोर्ट के अंदर नीचे एक ड्रेनेज होल होता है तो वहाँ से पानी बाहर आ जाता है, तो उससे हमारा प्लांट हेल्दी प्लांट बना रहता है। और अगर आप कैक्टस प्लांट को शेडी एरिया में रखेंगे, जैसे हमारा ये कैक्टस प्लांट है इसमें कांटे नहीं होते, इसमें छोटे छोटे से दाने टाइप के कांटे होते हैं, हल्के हल्के दाने होते हैं बस। अगर हम शेडी एरिया में रखेंगे इस प्लांट को तो जैसे आप देख रहे हैं कि इस लीव्स इस ब्रांच में कांटे आ गए हैं, वो कांटे किसी किसी ब्रांच में आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि अगर हम शेडी एरिया में रखते हैं तो, अदरवाइज वरना हम इसे फुल सनलाइट में रखें और पानी इसमें हम तभी डालें जब पूरी सोइल जो है ड्राई हो चुकी हो तभी हम इसमें वाटर डालें, वरना हम वाटर ना डालें इसमें। और इस कैक्टस प्लांट की हम कोई भी ब्रांच, जैसे आप देख रहे हैं ये ब्रांच है, अगर हम इसे यहाँ से कट कर लेते हैं हैं और इस ब्रांच को हाफ इंच या हाफ इंच सोइल में दबा देंगे तो हमारा एक महीने के अंदर ये हमारा प्लांट ब्रांच जो होगी कटिंग जो होगी वो ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।